अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 170। हम सीख रहे हैं हाउ प्रिटी। तो चलते हैं देखते हैं क्या लेसन है आज। विच ऑफ दिस इज़ द वर्ल्ड। इनमें से वर्ल्ड कौन सी है। द वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं, दुनिया। तो द वर्ल्ड को हम स्पेनिश में क्या बोलेंगे, एल मुंडो। एल मुंडो। आगे बढ़ते हैं। फर्नांडा एस ला मास अल्टा दे ला क्लासे। फर्नांडा एस ला मास अल्टा दे ला क्लासे। इसके माने होते हैं फर्नांडा क्लास में सबसे लंबी है। फर्नांडा क्लास में सबसे लंबी है। इसे जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में। फर्नांडा इज़ द टॉलेस्ट वन इन द क्लास। फर्नांडा क्लास में सबसे लंबी है। आगे बढ़ते। सारा es la más joven de la familia. सारा es la más joven de la familia. इसके माने होते हैं सारा फैमिली में सबसे कम उम्र है। सारा फैमिली में सबसे कम उम्र है। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा इस जुमले को। सारा इज द यंगेस्ट वन इन द फैमिली। El peor del mundo. El peor del mundo. इसके माने होते हैं दुनिया का बदतरीन। दुनिया का बदतरीन। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा इस जुमले को। The worst in the world. दुनिया का बदतरीन या दुनिया में बदतरीन। आगे बढ़ते हैं। Yo amo a mi gato gordo. यो आमो आमी गातो गोर दो। इसके माने होते हैं मुझे अपनी मोटी बिल्ली से प्यार है। मुझे अपनी मोटी बिल्ली से प्यार है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में। आई लव माई फैट कैट। मुझे अपनी मोटी बिल्ली से प्यार है। आगे बढ़ते हैं। Somos muy delgados. Somos muy delgados. इसके माने होते हैं हम बहुत पतले हैं। हम बहुत पतले हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को। वी आर वेरी थिन। हम बहुत पतले हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से थिन। थिन को आप कैसे कहते हैं। थिन के माने होते हैं दुबला पतला। तो थिन को हम स्पेनिश में क्या बोलेंगे, delgado। delgado। आगे बढ़ते हैं। Este es el mejor restaurante del pueblo. Este el mejor restaurante del pueblo. इसके माने होते हैं ये टाउन का बेहतरीन रेस्टोरेंट है। ये टाउन का बेहतरीन रेस्टोरेंट है। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा इस जुमले को। दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन। ये टाउन का बेहतरीन रेस्टोरेंट है। आगे बढ़ते हैं। Yo soy el más joven de la familia. Yo soy el más joven de la familia. इसके माने होते हैं मैं फैमिली में सबसे कम उम्र हूँ। मैं फैमिली में सबसे कम उम्र हूँ। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा इस जुमले को। आई एम द यंगेस्ट वन इन द फैमिली। मैं फैमिली में सबसे कम उम्र हूँ। आगे बढ़ते। हाउ डू यू से वर्ल्ड्स। वर्ल्ड्स को आप कैसे कहते हैं। वर्ल्ड्स के माने होते हैं दुनिया। तो वर्ल्ड्स को हम स्पेनिश में क्या बोलेंगे, मुंडोस। मुंडोस। आगे बढ़ते। माई बेबी इज़ द प्रिटेस्ट। इसके माने होते हैं मेरा बच्चा सबसे प्यारा है। इंग्लिश में इस जुमले स्पेनिश में इस जुमले को किस तरह बोला जाएगा। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, मी बेबी इज एल मास बोनीतो। मेरा बेबी सबसे प्यारा है या मेरा बच्चा सबसे प्यारा है। माई बेबी इज़ द प्रीटेस्ट। आगे बढ़ते। पेयर मैच करते हैं। टू टीच माने होता है पढ़ाना, तो स्पेनिश में बोला जाएगा इंसेन्यार। सिस्टर के माने होता है बहन, तो बहन को हम स्पेनिश में बोलते हैं hermana। वुमेन के माने होता है औरतें, तो स्पेनिश में बोलते हैं वुमेन को mujeres। फैट के माने होता है मोटा, तो मोटे को हम बोलते हैं स्पेनिश में gordo। टू हेल्प माने होता है मदद करना, मदद, तो स्पेनिश में बोलेंगे ayudar। ayudar। माई सिस्टर इज़ द टॉलेस्ट वन, इसके माने होते हैं मेरी बहन सबसे लंबी है, मेरी बहन सबसे लंबी है। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा इस जुमले को, सॉरी स्पेनिश में किस तरह बोला जाएगा इस जुमले को? सही ट्रांसलेशन है ये वाली, मी हरमाना इज़ ला मास आल्ता। मेरी बहन सबसे लंबी है, माई सिस्टर इज़ द टॉलेस्ट वन। आगे बढ़ते हैं, पेयर मैच करते हैं। टीवी को क्या बोलते हैं स्पेनिश में? टेले। दिन के माने होता है पतला, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे डेलगाडो। टू सी माने होता है देखना, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे वेर। पीपल के माने होता है लोग, तो स्पेनिश में क्या होगा gente। वीक के माने होता है हफ्ता, तो स्पेनिश में क्या होगा सेमाना। आगे बढ़ते हैं, यू आर द नाइस्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसके माने होते हैं आप मेरे दोस्तों में सबसे अच्छे हैं, आप मेरे दोस्तों में सबसे अच्छे हैं। इंग्लिश इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा स्पेनिश में? सही ट्रांसलेशन है ये वाली, तू एरेस एलमास सिंपैथिको दे मिस अमीगोस, आप मेरे दोस्तों में सबसे अच्छे हैं। यू आर द नाइस्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स। आगे बढ़ते, हु इज़ द बेस्ट टेनिस प्लेयर, इसके माने होते हैं टेनिस का बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, टेनिस का बेहतरीन खिलाड़ी कौन है। इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा स्पेनिश में? ¿Quién es el mejor jugador de tenis? ¿Cuál es el mejor jugador दे टेनिस? टेनिस का बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, हु इज़ द बेस्ट टेनिस प्लेयर। आगे बढ़ते, डेविड इज़ द वर्स्ट बेसबॉल प्लेयर, इसके माने होते हैं डेविड बेसबॉल का बदतरीन खिलाड़ी है, डेविड बेसबॉल का बदतरीन खिलाड़ी है। इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा स्पेनिश में? डेविड एस एल पेयर जुगादोर दे बेसबॉल। डेविड एस एल पेयर जुगादोर दे बेसबॉल, डेविड बेसबॉल का बदतरीन खिलाड़ी है, डेविड इज़ द वर्स्ट बेसबॉल प्लेयर। तो ये तो था आज का लेसन, अगले लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।